जै हिंदी वन आई एम कैर गगन जोहली नंबर फोर पंजाब एयर स्क्रॉडम एन सी सी लुध्याना तो आज मैं कवर करूंगा द चैप्टर इज द एयर मैनशिप इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर मोर ओवर बहुत सारे क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं सो so, हम इसको थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे सो दैट वी कैन रिमेंबर इट प्रॉपरली सो आई हैव डिवाइडेड दिस चैप्टर सेवन पार्ट्स सात हिस्सों में डिवाइड किया है बेसिक्स एंड एयरफील्ड लेआउट रूल्स ऑफ द एयर सर्किट प्रोसीजर

रोड पे कार ड्राइव करते हो या बाइक ड्राइव करते हो देन यू नीड टू फॉलो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट कम्स अंडर योर ड्राइविंग रूल्स एंड रेगुलेशंस सिमिलरली जब आप कोई प्लेन को फ्लाई करोगे तो आपको सम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा दैट कम्स अंडर एयरमैनशिप सो क्या सीखा हमने दीज आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फ़ॉर द सेफ्टी एंड प्रॉपर डिसिप्लिन इन फ्लाइंग ठीक है अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ठीक है इम्पोर्टेंस भाई पता ही होगा कि एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन डालते हैं रूल्स हम में हमको एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर बताते हैं ठीक है एमरजेंसी सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है वो सिखाते हैं जैसे अगर कुछ आग लग जाए या बाई चांस कोई एमरजेंसी आ जाए तो उसमें करना क्या है ये सिखाते हैं द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गुड एयरमैनशिप एन्श्योर्स अ पायलट एट इट्स बेस्ट वैन द सिचुएशन एट इट्स वर्स्ट मतलब कि बुरी से बुरी सिचुएशन में ये आपको टैकल करना सिखाता है दिस इज़ द पायलट जो अंदर बैठे होंगे इनको एयरमैनशिप आनी चाहिए सो देर आर बेसिक टर्म्स द फर्स्ट टर्म इज़ एरोड्रोम ये तीन टर्म्स सिमिलर हैं लेकिन बस थोड़े से डिफरेंस डिफरेंसाइन में ठीक है दैट इज़ एरोड्रोम एयरफील्ड एंड एयरपोर्ट अब एरोड्रोम होता है इट इज़ अ डिफाइंड एरिया जिसमें बिल्डिंग भी आती है इंस्टॉलेशन भी आती है और इक्विपमेंट्स भी आते हैं जो यूज़ होते हैं अराइवल डिपार्चर और मूवमेंट ऑफ़ एयरक्राफ्ट के लिए मतलब कि ये ये पूरा एक एरोड्रोम होगा अब इसमें हमारी बिल्डिंग्स भी आ रही हैं हमारा रनवे भी आ रहा है हमारी इंस्टॉलेशंस भी आ रही हैं सो so, इस पूरे को हम एरोड्रोम कहेंगे ठीक है नाउ एयरफील्ड एयरफील्ड इज़ दैट एरिया ऑफ लैंड यूज फॉर टेक ऑफ एंड लैंडिंग मतलब कि जहाँ पे प्लेन सिर्फ टेक ऑफ और लैंड करता है उसको हम एयरफील्ड कहते हैं लाइक दिस इज़ द एयरफील्ड ठीक है अब जैसे ये एक एरोड्रोम है तो इसका एयरफील्ड ये होगा दिस विल बी इट्स एयरफील्ड ठीक है ऑफ यू गोट इट अब एयरपोर्ट क्या है अब मेन डिफरेंस एयरोड्रोम और एयरपोर्ट में ये होता है कि जब ये एयरपोर्ट वर्ड है एक सिविल वर्ड इट इज़ यूज फॉर सिविल फ्लाइंग लेट इट बी इंटरनेशनल एयर ट्रैफिक और एनीथिंग एल्स इट इज़ ऑफ सिविल पर्पस मतलब कि जब ये एयरोड्रोम एक सिविल पर्पस के लिए यूज़ होगा तब तब हम इसको एयरपोर्ट कहेंगे सो दीज थ्री टर्म्स आर क्लियर मूविंग फॉरवर्ड दिस इज ऑल्सो अ फोटोग्राफ ऑफ एरोड्रोम ये आपका एयरफील्ड आ गया ये आपकी इंस्टॉलेशंस आ गई इसको हम पूरे को एरोड्रोम कहेंगे नाउ ओवर नेक्स्ट डेफिनेशन इज एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट एंड एरोड्रोम ट्रैफिक जोन अब एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट जैसे मैं आपको बताता हूँ कि ये अब सारा एरोड्रोम है है ना दिस इज़ अ वेरी बिग एरिया अगर इसको डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देर आर सम पॉइंट्स मतलब कि एक छोटे से पॉइंट को आपको मतलब एक सेंटर पॉइंट को आपको देखना पड़ेगा कि हाँ इस सेंटर पॉइंट को लेके मैं इसकी लोकेशन को डिफाइन कर सकता हूँ ठीक है जैसे आपका घर बहुत बड़ा होगा लेकिन आप उसके एक सेंटर पॉइंट को मान लोगे और उसके हिसाब से उसका लेटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैलकुलेट करोगे सो दैट दैट पॉइंट इज़ नोन एज एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट एंड यूजली ये रनवे का सेंटर पॉइंट माना जाता है दिस वन विल बी एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट नाउ एरोड्रोम ट्रैफिक जोन अब ट्रैफिक जोन का मतलब है कि एयर स्पेस एक्सटेंडेड फ्रॉम एरोड्रोम टू अ हाइट ऑफ 2000 फीट एंड 1.5 नॉटिकल माइल्स ऑफ इट्स बाउंड्री मतलब कि ये एक एरोड्रोम की बाउंड्री है अब जैसे ये एक एरोड्रोम है ठीक है इसकी बाउंड्री में जो इसका बाहर का एरिया जो होगा 1.5 नॉटिकल माइल्स तक जो इसका बाहर का एरिया जो होगा 1.5 नॉटिकल माइल्स बाहर तक उस वो वाला एरिया इसकी बाउंड्री में आएगा और जो इसकी हाइट होगी अप टू टू थाउजेंड फिट का एरिया उसकी बाउंड्री में आएगा मतलब कि हम कह रहे थे ना कि हाँ ये वाले एरोड्रोम के इतना एरिया भी हम, हमारे एक ट्रैफिक जोन के अंदर आता है मतलब कि जोन जोन से भी चीज़ें इस एरिया के अंडर होंगी दैट विल बी वन पॉइंट फाइव नोटिकल माइल्स और टू थाउजेंड फिट हाइट के अंदर अंदर होंगी दैट विल बी अंडर आवर ट्रैफिक जोन मूविंग फॉरवर्ड देर इज एयरक्राफ्ट क्लासीफिकेशन नंबर अब ए सी एन इज़ अ नंबर एक्सप्रेसिंग द रेटिव इफेक्ट ऑफ एन ए सी एयरक्राफ्ट लोड ऑन पेमेंट अब हमने एयरोड्रोम को भी रेफरेंस पॉइंट तो दे दिया ठीक है अब हम एयरक्राफ्ट को भी एक रेफरेंस पॉइंट देंगे जैसे ये कोई एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है ना इसको हम रेफरेंस पॉइंट देते हैं एज ए सी एन एयरक्राफ्ट क्लासीफिकेशन नंबर अब हर एक एयरक्राफ्ट एक लोड डालता है इस पेमेंट के ऊपर ये जो पेमेंट है ना रनवे इसके ऊपर एक लोड डालता है लोड मतलब थोड़ा वेट डालता है थोड़ा भार डालता है उसके हिसाब से हम इसका ए कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसका क्लासिफिकेशन नंबर क्या होना चाहिए दैट इज़ अ नंबर नोन एज एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर नाउ कमिंग टूवर्ड्स एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन अब दिस इज़ एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन विद इन विच द रेडी आइडेंटिफिकेशन लोकेशन एंड कंट्रोल ऑफ़ एयरक्राफ्ट इज रिक्वायर्ड अब आपने मूवीज़ में देखा होगा कि हाँ जब एक एरिया के अंदर एयरक्राफ्ट आ जाता है तो यहाँ पे जैसे ये सेंटर हो गया है ना ये एक वो हो गया टावर हो गया अब ये पूछता होता है कि आप हमारे एरिया में आ चुके हुए हो हमको अपनी लोकेशन के बारे में बताओ आप यहाँ पे क्यों आए हो उस उसके बारे में बताओ अब जो ये वाला एरिया होगा ना कि हाँ इस एरिया के अंदर आने के बाद मेरे को अपनी लोकेशन अपनी सारी जानकारी ए को बतानी है वो वाले एरिए को हम कहेंगे एयर एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन अब एयर रिपोर्ट क्या होगी एयरपोर्ट इस रिपोर्ट का मतलब कि अपनी भाई इंफॉर्मेशन देना तो एयर रिपोर्ट इज़ अ रिपोर्ट इन विच वी यूज़ टू तो टेल अबाउट अवर एयरक्राफ्ट एंड अवर पर्पस एज वेल मतलब कि हमारी पोजीशन हो गई हमारा ऑपरेशन क्या है वो हो गया ठीक है मेटोलॉजिकल कंडीशंस क्या हैं वो हो गई मतलब पूरी एक फुल फ्लैच रिपोर्ट होगी हमारे बारे में हमारे एयरक्राफ्ट के बारे में now कमिंग टू कमिंग टूवर्ड्स एयर रूट अब जैसे हमको पता है अगर हमने कहा गया अगर हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाना है देन वी नीड टू फॉलो सम पाथ या तो ऐसे आ जाएँगे या ऐसे आ जाएंगे या ऐसे आ जाएंगे ठीक है जैसे अब आपने दिल्ली से आगरे तक का जाना है तो आप कहोगे ना मैंने ये वाला रूट चूज़ कर लिया मैं यहाँ से गया मैं वहाँ से गया वैसे ही एक ट्रेन का भी एक रूट होता है उसको हम कहते हैं एयर रूट नाव एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस सर्विस प्रोवाइड टू इन्शोर द सेपरेशन इन सो फार एज़ पॉसिबल बिटवीन द एयरक्राफ्ट विच विच आर ऑपरेटिंग ऑन आई फार फ्लाइट प्लान आउटसाइड द कंट्रोल एरिया बट विद इन एडवाइजरी रूट अब जैसे नेम इसका बता रहा है एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विसिज़ मतलब कि ट्रैफिक को मेन्टेन करना ठीक है एयरक्राफ्ट के बीच में कि कहीं वो एक दूसरे से टकरा जाए एक सेफ़ डिस्टेंस बना रहे उस सर्विस को हम कहते हैं एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विसिस नाउ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर अब ये जो हमने देखा है ये इसको कहते हैं हम एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर इसका काम क्या है पहली बात तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल विद इन अ कंट्रोल्ड एरिया मतलब कि किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर ये एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करता है फ़्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विसेज मतलब कि एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है टू द फ़्लाइट्स एंड टू एयरक्राफ्ट्स अलर्टिंग सर्विस फॉर सर्च एंड रेस्क्यू मतलब कि अगर कोई एमरजेंसी मैसेज या कोई डिस्ट्रेस मैसेज आता है तो उसको आगे कन्वे कर करता है ना कमिंग टूवर्ड्स एयर ट्रैफिक कंट्रोल क्लियरेंस अब क्लियरेंस से जैसे हमको पता चल रहा है कि भाई लाइन को क्लियर करना है पास को क्लियर करना है ठीक है आप कभी शॉपिंग करने जाओ यू आर हैविंग अ ट्रोली तो वहाँ पे भी भाई बिलिंग काउंटर पे वो एक क्लियरेंस करते होते हैं ना कि हाँ आपका हो गया आप चले जाएँ ताकि बाकी बाकी आ सकें दिस इज़ द सेम थिंग कि ट्रैफिक को कंट्रोल करके उसको क्लियर करना नाओ एयर ट्रैफिक कंट्रोल अब जैसे मैंने बताया था कि भाई ट्रैफिक कंट्रोल का मेन पर्पस क्या है टू प्रिवेंट द कोलिजन बिटवीन एयरक्राफ्ट्स ठीक है और उनके और उनमें एक डिस्टेंस बनाए रखना सो so ये ये यही काम करती है मूविंग फॉरवर्ड एयर वे हेडिंग एंड हाइट अब एयर वे क्या है अ कंट्रोल एरिया ऑफ पोर्शन देर फॉर इन द फॉर्म ऑफ कॉरिडोर इक्विपिट एट्स अब जैसे कि हम कहते हैं ना कि हाँ भाई मैं लुधियाना से जलंधर जा रहा हूँ तो मैं एक रोड को ले मैं मैं एक रोड के थ्रू जाऊँगा ठीक है अब उर, अब उस रोड पे डिपेंड करता है कि हाँ भाई वो पक्की सड़क है वहाँ पे लाइटिंग है ठीक है सही से एक लाइंस बनी हुई हैं तो उसको हम कहते हैं एक वे ठीक है सिमिलरली एयर वे इज़ अ पाथ जहाँ पे रेडियो नेविगेशन एड्स प्रोवाइड की हुई हैं और वो एक पाथ है जो एयरक्राफ्ट फॉलो करता है दैट इज़ कॉल्ड एयर अब हैडिंग हैडिंग में डायग्राम से समझाऊँगा लाइक like दिस ये अगर आपका एयरक्राफ्ट है ना तो इसका ये वाला एक्सिस दिस इज फ्रंट एक्सिस अब इसकी टिप जोन से साइड में पॉइंट करेगी उसको हम हेडिंग कहेंगे लाइक like, अब सो so, ये अब इसकी हेडिंग हो गई क्योंकि ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है नाउ द नेक्स्ट डेफिनेशन इज हाइट अब देर आर टू टर्म्स फर्स्ट वन इज़ हाइट एच से altitude, से सेकेंड वन इज़ एल्टीट्यूड ए से ठीक है दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वन द हाइट द वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ लेवल अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट कंसीडर्ड एज अपॉइंटेड मेजर फ्रॉम अ स्पेसिफिक डेक्टम मतलब कि एक स्पेसिफिक पॉइंट से किसी चीज़ का वर्टिकल डिस्टेंस उसको हम हाइट कहेंगे अब हाइट और एल्टीट्यूड में मेन डिफरेंस क्या है लेटेस्ट कंसीडर uh, कोई ब्लैंक पेज नहीं है चलो कोई बात नहीं लेटस्ट कंसीडर कि ये सी लेवल है ठीक है दिस इज सी सी लेवल मतलब ये सॉरी ये समुद्र वाला लेवल है अब यहाँ पर आपका लैंड होगा मतलब कि ये आपकी जमीन हो गई ठीक है यहाँ पर आपका घर है ठीक है अब आपका प्लेन यहाँ पे उड़ रहा है ठीक है दिस इज योर एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर हेयर अब जो डिटे जो आपकी हाइट होगी वो होगी अब मैंने हाइट मेजर करनी है अपने घर से ठीक है घर से मेरी हाइट होगी दिस वन अब ये डिस्टेंस होगी मेरी हाइट ठीक है अगर मैं अल्टीट्यूड की बात कर रहा हूँ तो अल्टीट्यूड मेजर होती है मीन सी लेवल से मतलब कि जो सी लेवल है उससे मेरी हाइट ये होगा मेरा अल्टीट्यूड ठीक है ये डिफरेंस है मेन हाइट और अल्टीट्यूड में जो हाइट है वो किसी स्पेसिफिक पॉइंट से देखी जाती है और जो एल्टीट्यूड होता है वो मीन सी लेवल से देखा जाता है ठीक है अब आपको हाइट का पता लग गया अब होल्डिंग पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट लोकेटेड आइडेंटिफाइड बाय विजुअल्स और अदर मीन्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट फ्लाइट इज मनटेन इन अकॉर्डेंस विद एयर ट्रैफिक कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस अब होल्डिंग पॉइंट क्या होता है जब कभी कभी जब हम लैंड करने जाते हैं या जब हम फ्लाइंग कर रहे होते हैं तो हमको एक कमांड मिलती है कि हाँ भाई इस लेवल पे अपने एयरक्राफ्ट को होल्ड करके रखो या इस हाइट पे अपने एयरक्राफ्ट को होल्ड करके रखो तो वो वाले पॉइंट या वो वाले स्पेसिफिक हाइट को हम कहते हैं होल्डिंग पॉइंट अब एल लोड क्लासिफिकेशन नंबर अब मैंने आपको बताया था पहला ए सी से एयरक्राफ्ट को हम रिकॉगनाइज करते हैं अब अब एल क्या है एल सी इज़ लोड क्लासिफिकेशन नंबर एंड ए था एयरक्राफ्ट क्लासिफिकेशन नंबर अब ए और एल में डिफरेंस ये है कि जो ए सी एन है दैट इज़ अबाउट द एयरक्राफ्ट कि एयरक्राफ्ट भाई पेमेंट के ऊपर कितना लोड डाल रहा है मतलब कि रनवे के ऊपर कितना लोड डाल रहा है एंड एल सी एन इज़ अबाउट कि ये वाला रन वे कितना लोड ले सकता है मतलब कि कितना भारी से भारी ए, भारी एयरक्राफ्ट का लोड ये संभाल सकता है तो होप कि आपको ए सी एन और एल सी एन के बीच का डिफ्रेंस पता लग गया होगा एक बार आप अपनी पी डी एफ को भी रीड जरूर करना तो ताकि आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन पता लग जाए क्योंकि मैंने तो आपको अच्छे से समझा ही दिया है नाउ कमिंग टू वर्ड्स प्रोहिबिटेड एरिया एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया आप दोनों में डिफरेंस क्या है जैसे प्रोहिबिटेड एरिया का मतलब है कि प्रोहिबिटेड मतलब यहाँ पे जाना ही नहीं है चाहे जो मर्जी हो जाए यहाँ पे जाना अलाउड ही नहीं है सो दिस इज अ एयर डायमेंशन सॉरी एयर स्पेस ऑफ डिफाइंड डायमेंशन अबव द लैंड एरिया और वाटर जहाँ पे जाना मना है मतलब प्रोहिबिटेड है अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में फ़र्क क्या है रिस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि देर आर सम लिमिटेशंस और देर आर सम रिस्ट्रिक्शंस इस एरिया में जाने के लिए मतलब कोई स्पेसिफिक बंदा यहां पे जा सकता है हर कोई नहीं जा सकता देर आर स्पेशल कंडीशंस नाउ मूविंग फॉरवर्ड क्यू एफ ई अब क्यू एफ ई का मतलब होता है कि एरो प्रेशर करेक्टेड फॉर टेम्परेचर वैन सेट ऑन एल्टीट्यूड ऑन द ग्राउंड द एल्टीमीटर शुड रीड जीरो अब ऐसे दो टर्म्स होती हैं वन इज क्यू एफ ई एंड सेकेंड वन इज क्यू एन एच अब क्यू एन एच का क्या मतलब होता है एडस्टिड टू मीनसी लेवल वेन सेट ऑन अल्टीट्यूड ऑन द ग्राउंड द अल्टीमीटर शुड रीड एरोड्रोम एलिवेशन अब हमारा एक अल्टीमीटर होता है जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये मीनसी लेवल है ठीक है यहाँ पर अपना एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट की हाइट मेजर करने के लिए हमारा एक डिवाइस होता है दैट इज़ कोल्ड एल्टीमीटर अब एल्टीमीटर की भाई दो सेटिंग्स होती हैं फर्स्ट वन इज़ केव एन एफ सेकेंड वन इज़ के ऊ एन एच अब जब हमने इसको केव एन क्यू क्यू एफ ई पे जब हमने इसको सेट किया तो एल्टीमीटर हमारा मेजर करेगा हाइट इट विल बी मेजरिंग हाइट फ्रॉम अ स्पेसिफिक पॉइंट जब लेकिन जब हमने इसको सेट किया केव एन एच पे दैन इट विल बी मेजरिंग द द एल्टीट्यूड फ्रॉम द मीन सी लेवल तो दोनों में यही डिफरेंस है कि हमारा क्यू एफ ई हाइट मेजर करता है और हमारा क्यू एन एच एल्टीट्यूड मेजर करता है मूविंग फॉरवर्ड ट्रांजिशनल एल्टीट्यूड द एल्टीट्यूड इन द विसिनिटी ऑफ एन एरोड्रोम एट और बिलो विच वर्टिकल पोजिशन ऑफ एन एयरक्राफ्ट कंट्रोल्ड बाई रेफरेंस टू एल्टीट्यूड अबव द मीन सी लेवल और हाइट अबव द एरोड्रोम डिपेंडिंग अपॉन वेदर क्यू एन एच और क्यू एफ ई इज सेट ऑन द एल्टीमीटर अब ट्रांजिशन एल्टीट्यूड है कि जब हमने अपनी सेटिंग को क्यू एन एच से लेकर केव एफ़ ई पे लेके जाना है या फिर क्यू एफ ई पे से क्यू एन एच के ऊपर लेके जाना है मतलब कि हम ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एल्टीट्यूड को ऐसे ही डिफाइन करेंगे कि भाई हाँ कोई को, को, कोई ऐसी स्पेसिफिक हाइट जहाँ पे जाके हमने अपनी एल्टीमीटर की सेटिंग्स को क्यू एन एच और क्यू एफ ई के बीच में से सेट करना होता है नाउ द ट्रांजिशन लेयर द एयर स्पेस बिटवीन द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल अब ट्रांजिशन लेयर होती है द लेयर बिटवीन द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एंड एंड ट्रांजिशन लेवल ठीक है इस इस लेयर को हम कहते हैं ट्रांजिशन लेयर अब नॉर्मली दिस ड एक्सीड फाइव हंड्रेड फिट मतलब पाँच सौ फुट से ऊपर नहीं होती ठीक है नो द ट्रांजिशन लेवल द ट्रांजिशन लेवल द लोएस्ट फ्लाइट लेवल अबव द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड इट मे वेरी विदेशनशिप बिटवीन क्यू एन ई अब जैसे कि इसने बताया कि भाई एक लोवेस्ट लेवल है अबव द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड जहाँ पे रिलेशनशिप क्यू एफ ई सॉरी क्यू एन ई और प्रेशर की देखी जाती है सो so, आपको ये पता लग गया होगा ट्रांजिशन एल्टीट्यूड जहाँ पे हमने अपनी सेटिंग को चेंज करना होता है ट्रांजिशन लेयर द लेयर बिटवीन ट्रांजिशन एल्टीट्यूड एंड ट्रांजिशन लेवल एंड द ट्रांजिशन लेवल इज़ लोएस्ट फ्लाइट लेवल अबव द ट्रांजिशन एल्टीट्यूड जहाँ पे हमने अपनी सेटिंग्स की रिलेशनशिप को देखना होता है नाउ विजिबिलिटी अब विजिबिलिटी को भाई हम सिंपल uh, लैंग्वेज में बताएंगे कि हाँ मैं कितनी दूर तक देख सकता हूँ बट इन द डेफिनेशन फॉर्म वी यूज टू डिफाइन इट एज कि हाँ भाई इट इज़ अ डिस्टेंस अब सॉरी ओवर विच वी कैन व्यू एनी ऑब्जेक्ट और एनी थिंग मतलब कि हम इसको एक डिस्टेंस के फॉर्म में बताते होते हैं कि आज विजिबिलिटी इतने मीटर की है आज सौ मीटर की है ठीक है जब सर्दियाँ होती हैं तो भाई विजिबिलिटी कम हो जाती है ड्यू टू फोग एंड स्मोक दैट इज कॉल्ड विजिबिलिटी अब क्यों नाव क्यू एन एच के बारे में मैंने को बता दिया हुआ था टॉकिंग अबाउट द अलर्टिंग सर्विस दिस इज़ अ सर्विस जो बताती होती है एक ऑर्गेनाइजेशन को आप उसके एयरक्राफ्ट के बारे में फॉर द नीड ऑफ सर्च रेस्क्यू एड्स एंड असिस्िस्टेंस मतलब कि अगर कुछ भी हो जाए तो ये सर्विस एक अलर्ट का, का काम करती है नॉ टॉकिंग अबाउट द अल्टरनेट एरोड्रोम अब एरोड्रोम का मैंने उनको बताया था डैट दिस होल फील्ड विद हैविंग एयर वे सॉरी हाँ रन वे बिल्डिंग्स एंड ऑल द ऑल द इंस्टॉलेशंस दिस इज ऑल कॉल्ड द एरोड्रोम ठीक है अब एरोड्रोम <coughs> के फर्द्र हम अल्टरनेटिव एयरोड्रोम क्या होता है मतलब कि अब भाई हमने प्लान किया है ठीक है अपने रूट में कि मैं यहाँ पर इस एरोड्रोम पर लैंड करूँगा बट बाई चांस येला ये एरोड्रोम पर कहाँ कोई एमरजेंसी आ गई हुई है या मेरे को कहीं और लैंड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई चीज़ नहीं सही है या, या फिर यहाँ पर पहले से कोई और एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में हमारी रिपोर्ट में एक अल्टरनेटिव एरोड्रोम हमेशा होता ही होता है जैसे हम कहते होते हैं ना प्लान बी कि हाँ अगर यहाँ पे लैंड नहीं कर पाया तो किसी और एरोड्रोम पे लैंड कर दूंगा तो उस एरोड्रोम को हम कहते हैं अल्टरनेट एरोड्रोम मतलब कि अगर मैं यहाँ पर लैंड नहीं कर पाया तो यहाँ जा इसके ऊपर लैंड कर जाऊँगा इसको हम कहते हैं प्लान बी और अल्टरनेटिव एरोड्रोम मूविंग फॉरवर्ड एल्टीट्यूड मैंने आपको बता दिया था दैट इट इज़ मेजर्ड फ्रॉम मीन सी लेवल जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है समुद्र से सीलिंग द हाइट अबव द ग्राउंड और वाटर ऑफ द बेस ऑफ द lowest लेयर ऑफ़ क्लाउड बिलो सिक्स थाउजेंड मीटर मतलब कि एक क्लाउड की लोवेस्ट लेयर दैट इज़ बिलो सिक्स थाउजेंड मीटर उसको हम कहते हैं सीलिंग दैट यूज़ टू कवर मोर देन हाफ ऑफ द स्काई अब डेंजर एरिया जैसे नाम ने बता दिया कि हाँ भाई उस एरिया में कुछ डेंजर होगा ठीक है वहाँ पे फ्लाइट का जाना डेंजरस हो सकता है दैट कैन बी ऑन द ग्राउंड एज वेल एंड एज वेल एज इन द एयर ऑल्सो ना ऑ द डिस्ट्रेस मैसेज एमरजेंसी मैसेज टू बी यूज वन एयरक्राफ्ट ठीक है बाई सीरियस और डेंजर एंड द क्रू इज़ नीड ऑफ इमीजिएट असिस्टेंस। अब जैसे भाई नाम ने बताया डिस्ट्रेस मैसेज अब आगे बताया एमरजेंसी मैसेज यस दिस इज एमरजेंसी मैसेज जब भी कोई कोई एयरक्राफ्ट या उसका क्रू किसी डेंजर में हो तब वो अगला मैसेज भेजते होते हैं सो दिस मैसेज इज कॉल डिस्ट्रेस मैसेज अब एलिवेशन एलिवेशन भाई वही चीज़ है वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट और अ लेवल ठीक है फ्राम द स फ्रॉम मीन सी लेवल ठीक है एक एलिवेशन को भी हम यही कहेंगे कि हाँ भाई वर्टिकल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द मीन सी लेवल नाउ द एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल दिस इज वेरी बेसिक टर्म आपने कभी अपनी ट्रेन को बोर्ड किया हो तो आपको पता होगा कि हाँ भाई ट्रेन ने अगर छः बजे आना है तो हम उसको कहते हैं एस्टिमेट टाइम ऑफ अराइवल और ई मतलब कि ट्रेन ने कब आना है सिमिलरली एयरक्राफ्ट के सीन में भी ये ऐसे ही काम करता है कि भाई एयरक्राफ्ट ने कितने बजे आ जाना है नाउ द फ्लाइट लेवल अ सरफेस ऑफ कॉन्स्टेंट एटमोस्फेरिक प्रेशर अब भाई फ़्लाइट लेवल का मीनिंग तो हमको सिंपल सा यही लग रहा है कि एक कोई लेवल होगा जहाँ पे भाई फ़्लाइट को रहना होता है बिल्कुल सही है लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जहाँ पे प्रेशर सेम होगा मतलब कि अगर ये हो गया आपका हंड्रेड मीटर ठीक है ये आपका हो गया नाइन्टी मीटर ये आपका हो गया एट्टी मीटर तो ये प्रेशर का ऐसे होता है कि हाइट के बढ़ने के साथ प्रेशर आपका चेंज होता जाता है सिमिलरली इस जगह पे कांस्टेंट प्रेशर रहेगा अगर यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर है तो इसको हम कहेंगे एक फ़्लाइट लेवल मतलब कि एक ऐसा लेवल जहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है उसको हम कहते हैं फ़्लाइट लेवल अब देर आर सम पॉइंट्स प्रेशर टाइप एल्टीट्यूड कैलिब्रेटेड इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड एटमोसफियर ओके वैन सेट टू क्यू एन एच एल्टीट्यूड सेटिंग इंडिकेट एल्टीट्यूड हाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि हाँ भाई क्यू एन एच हमको एल्टीट्यूड बताता होता है ठीक है वैन सेट टू क्यू एफ ई एल्टीमीटर सेटिंग विल इंडिकेट हाइट जैसे मैंने आपको वहाँ पर भी बताया था कि भाई क्यू एफ ई हमको हाइट बताती होती है दैन अब थर्ड पॉइंट भी यही बताता है कि प्रेशर के हिसाब से हमारी हाइट को हम मेजर करते हैं देन द टर्म हाइट एंड एल्टीट्यूड के बीच में मैंने आपको डिफरेंस बता दिया हुआ है अब टॉकिंग अबाउट द फ्लाइट प्लान स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू एयर ट्रैफिक सर्विसेज यूनिट्स रिलेटेड टू इंटेंडेड फ्लाइट ऑफ पोर्शन ऑफ अ फ्लाइट अब सिमिलरली इट इज़ रिलेटेड टू समवेयर अबाउट एयर रिपोर्ट जैसे फ्लाइट प्लान होता है कि हाँ भाई मेरे फ्लाइट ने इतने बजे यहाँ से निकलना है इतने बजे यहाँ पर पहुँचना है दिस इज माई प्लान ऑफ माई फ्लाइट सो दिस वॉज एंड ऑफ अवर बेसिक टर्म्स सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने बात की सम बेसिक टर्म्स के बारे में रिलेटेड टू एयरमैनशिप सो आगे के लेक्चर्स में मैं बाकी पार्ट्स को कवर करूंगा आप वीडियो को फिर से एक बार गो थ्रू कर लें ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए सो दिस वॉज द एंडिंग Thank you Jai Hint.